आज मैं आपको फ्राई चिकन बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए हमने 1 किलो चिकन लिया है, नमक लिया है, 1 अंडा लिया है, आटा लिया है, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल और ब्लैक पेपर। अब मैं आपको बताती हूँ इसको बनाना कैसे है। इसके लिए हम 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी, लाल मिर्च 2 चम्मच डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, 2 चम्मच आटा डालेंगे वेट फ्लोर, 1 अंडा डालेंगे, 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमारा चिकन अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसमें हम ब्लैक पेपर डालेंगे। डाल के एक बार इसको मिक्स करेंगे। ये हमारा, ये आप देख सकते हैं, ये मिक्स हो गया है। अब इसको हम 1 से 1.5 घंटा फ्रीज में रखेंगे, फिर फ्राई करेंगे। ये हमारा चिकन मैरिनेट होके तैयार हो गया है। अब हम इसको अच्छे से डीप फ्राई करेंगे। ये कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है, अब ये गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके पीस डालेंगे। इसको अच्छी तरह डीप फ्राई करना है कि जो हमारा चिकन अंदर से अच्छे से पक जाए। बीच बीच में इसको हम पलटते रहेंगे। अच्छे से बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, अंदर से पूरी तरह पक जाएगा, फिर हम इसे टिश्यू पे निकालेंगे। अभी हम इसे पकने देंगे। अब ये हमारा चिकन डार्क ब्राउन हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे बाहर निकाल देंगे। अब हम इसको टिश्यू पेपर पे निकालेंगे। अब इसमें देखिए किस अच्छी खुशबू आ रही है और ये बिल्कुल गोल्ड डार्क ब्राउन हो गया है। अब इसे हम प्याज चटनी हरी मिर्च के साथ सर्व करेंगे। ये हमारा सर्व हो गया।